अमित और भाई ये है हमारा ट्रैक्टर। और भाई साहब इस तरीके के गुब्बारे तो हम मुंह से फुला सकते हैं, हर कोई बच्चा फुलाता है, लेकिन आज हम इस ट्रैक्टर का यूज करके गुब्बारे फुलाने वाले हैं। और भाई साहब आप सोचोगे यार इतना सा गुब्बारा है, इसको ट्रैक्टर से क्यों फुलाएंगे? तो भाई इस ट्रैक्टर के इतने बड़े साइज और इतने बड़े पावर के हिसाब से हमने वैसे ही गुब्बारे लिए जो कि है यहाँ पर। और ये है भैया मॉन्स्टर बलून्स, ये जो है जॉइंट बलून है, अभी जो है ये एकदम सिकुड़ा हुआ बलून है, बिल्कुल भी फूला हुआ नहीं है। एंड आप लोग देख सकते हो कि ये कितना बड़ा है, मतलब बलून जितना फूलने के बाद होता है उतना बड़ा तो ये वैसे ही है। और हमारे पास में काफ़ी सारे और भी साइजेस के बलून है। तो भाई साहब सिंपली क्या करेंगे, ट्रैक्टर से इसको फुलाने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर ट्रैक्टर हवा देता और वो काम करेगा ट्रैक्टर का साइलेंसर। तो साइलेंसर के अंदर जो बलून है उसको करेंगे फिट, उसके बाद ट्रैक्टर करेंगे स्टार्ट और फिर देखते हैं कि क्या ट्रैक्टर इस बड़े बलून को फुला पाएगा। इसको मुंह से फुलाना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तो हवा चाहिए और दूसरा ये जो है काफ़ी टाइट रबर भी है तो इसको फुलाने के लिए बहुत ज़्यादा दम भी चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होता है, फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए। गाइज मैं सोच रहा हूँ कि इस बलून की जगह पहले अगर हम इस तरीके के बलून का यूज़ करें, ये जो बलून है ये भी अपने आप में इतना छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा इसका साइज है, तो पहले इसको फुला करके देखते हैं, बाद में इसके ऊपर आएंगे। देखो इन दोनों में अंतर आप लोग देख सकते हो, और जो नॉर्मल मैंने सबसे पहले वीडियो में फुलाया था छोटा सा वो तो इतना सा होता है, और ये भी देखो काफ़ी बड़ा है। तो अब इसको साइलेंसर में फिट करते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि ये इसके ऊपर लग जाए, और साइलेंसर तो गर्म है नहीं, काफ़ी देर से ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। और भाई साहब ओ शिट फट गया, तो दूसरा देना। तो गाइज ये तो जो है साइलेंसर के ऊपर लग ही नहीं पा रहा है क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा और बलून इतना चौड़ा हो नहीं पा रहा है, एक और देना। तो भाई इस बार जैसे कैसे करके मैंने इसको लगा दिया है, और बढ़िया बात है कि फटा नहीं, तो अब इसके ऊपर ये टेप लगा देता हूँ यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर बलून लग गया है, नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रैक्टर। तो भैया जैसे ही ट्रैक्टर को स्टार्ट करूंगा अब जो हवा है वो उसमें जाएगी, तो यहां पर करता हूं इन 3 2 1 बलून को देखना। वो! यहां पर जो बलून है वो विद इन 1 or 2 seconds पूरा फूल के इतना बड़ा होके फट गया, और जो ट्रैक्टर के इंजन की जो धुआं है वो भी उसमें इकट्ठी हुई थी। यार ये कितनी ज्यादा एयर बाहर निकालता है, वाओ। और जो बलून है वो फट के यहां पर गिर गया है। भाई साहब देखा इतना जल्दी बलून कहां कैसे भरता है, क्या बात है। चलो अब इस पे जो है ये बड़ा वाला लगाते हैं, यार इसमें मजा आने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाई अब इसको इसमें लगा देते हैं। ओह तेरी यार, इसको तो इसमें लगाना भी अपने आप में एक चैलेंज है क्योंकि ये बलून का रबर इतना हार्ड है, फटेगा तो नहीं लेकिन घुसेगा भी नहीं। तो भाई ये बड़ा बलून भी यहां पर लग चुका है, अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है। तो भाई इस बार देखते हैं कि क्या होता है। तो यहां पर ट्रैक्टर कर रहा हूं चालू, और देखते हैं कि ये कितना देर झेल पाता है, पिछली बार वाला तो कुछ सेकंड ही झेला था। तो ये लो, ओ, ओ, देखो क्या बात है रेस दू, ओ, हो, वाओ साइज देखो बलून का, ओ वाओ साइज
साइज देखो बलून का। ओ गाइस क्या बात है, ये जो है कितना बड़ा फूल गया था और मैंने ट्रैक्टर में बिल्कुल एक्सेलरेटर नहीं दिया, बिल्कुल मैंने रेस नहीं दी, अपने आप ही जो है इतना जल्दी इतना बड़ा फूल गया। गाइस अगर आपको लग रहा है ना कि इतना सा ही फूला था, इसमें बहुत ज़्यादा एयर थी, अगर मुँह से फुलाएंगे ना तो इसमें इतना दम लग जाएगा, इसको पंप से फुलाएंगे ना इतना तो मुझे पता है इसमें कितना ज़्यादा हवा चाहिए, इसको 20 मिनट भर लो पंप से तो ये इतना नहीं भरेगा जितना इसमें भर गया था ये कुछ सेकंड्स में ही, और उसके बाद में बलून जो है वो फट गया। हालांकि ये जो बलून है काफ़ी बड़ा हो सकता था इससे भी, लगभग 5-6 फीट का, लेकिन ये जो है जल्दी फट गया। आई थिंक यहाँ पर जो हवा है वो गर्म थी क्योंकि इंजन से आ रही है और ये रीज़न हो सकता है, और जो साइलेंसर है वो भी यार थोड़ा हल्का सा गर्म हो गया, हालांकि कुछ सेकंड्स ही चला था। जो भी है भाई आपके सामने हुआ, एक काम करते हैं एक बार और ट्राई करते हैं। तो गाइस इस बार प्लान कुछ ऐसा है कि पिछली बार मैंने एक्सेलेरेटर नहीं दबाया, इस बार मैं फुल रेस दूंगा जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, और देखते हैं इस बार कितना जल्दी जो है पूरा प्रोसेस होता है। तो फटाक से इस बार पूरा पंजा जो है मैं वो दबा दूंगा। तो देखो कैसे आवाज कर रहा है ट्रैक्टर। तो गाइस इस बार तो ये जो है पिछली बार से काफी ज्यादा फूला है, हवा में था। हाँ, और हवा में था और कितना मस्त दिख रहा था, और इस बार भैया कितना जल्दी फुला दिया इसने पिछले बार से भी। और देखो ट्रैक्टर आवाज बदल गई है इसकी वजह से, एक नया साइलेंसर बन गया, देखना स्टार्ट करूंगा देखो। अबे कैसे आवाज कर रहा है ये देखो, पूरा फड़फड़ा रहा है, ऐसा फड़फड़ा रहा है पूरा। ओ तो गाइज देखा आपने यहां पर जो है क्या हुआ है, पिछली बार से भी जल्दी फटा है और ट्रैक्टर कितना जल्दी इतने बड़े बलून को फुला देता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में आया होगा मजा, अगर आपको मजा आया तो वीडियो के लिए लाइक का बटन अभी के अभी जरूर से दबा दीजिएगा, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।